बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एंड गेट की सिमुलेशन के बारे में देखेंगे, उसको ड्रा करेंगे और प्रैक्टिकली उसका आउटपुट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंड गेट को समझते हैं कि एंड गेट होता क्या है। इसकी डिफिनेशन, द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट वन only if all inputs are high, means कि एंड गेट का आउटपुट तभी हाई होगा जब सारे के सारे इनपुट उसके हाई हों। इनपुट्स दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा ही एक ही होगा। इन अदर वर्ड्स, कि अगर एक भी इनपुट हमारे पास लो हो यानी ज़ीरो हो, तो आउटपुट हमेशा ही लो होगा यानी ज़ीरो ही होगा। तो ड्रा करते हैं सर्किट। सबसे पहले हम एंड गेट को सेलेक्ट करते हैं, प्लेस में जाके कंपोनेंट, और यहाँ से ऑल ग्रुप्स में सर्च में लिखते हैं एंड। तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड नंबर पे एंड टू लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दो इनपुट्स वाला एंड गेट। इस तरह नीचे इसके एंड थ्री यानी थ्री इनपुट्स वाला, एंड फोर, आपकी मर्जी है कितने इनपुट्स आप देना चाहें। तो मैं सिंपल एंड गेट सेलेक्ट करता हूँ, टू इनपुट्स वाला। ओके, अच्छा, तो दो टाइप्स की इनपुट्स होती हैं, या हाई या लो। तो हाई के लिए हम वीसीसी सेलेक्ट करेंगे और लो के लिए हम ग्राउंड। सोर्सेज में जाके पावर सोर्सेस, और उसके बाद ग्राउंड और वीसीसी, ग्राउंड और यहाँ से वीसीसी। अच्छा, इनको चेंज करने के लिए, यानी कभी हम जीरो देंगे कभी वन देंगे, तो चेंज करने के लिए हम स्विच लगा देंगे। बेसिक में जाके यहाँ से स्विच सेलेक्ट कर लें। दो इनपुट्स हैं तो हमारे ये दो स्विचेस भी रिक्वायर्ड होंगे। आउटपुट को चेक करने के लिए मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, प्रोब। तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाके प्रोब को सेलेक्ट कर लें। ओके, क्लोज। स्विचेस को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं। ओके, राइट साइड पे आप ट्रुथ टेबल दे सकते हैं। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए है और दूसरा बी, और आउटपुट हमारे पास वाई है। तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, एस वन को ए कर देता हूँ। और आउटपुट हमारे पास क्या है, y। कनेक्शन कर देते हैं सारे कंपोनेंट्स की वायर के जरिए। ओके, तो इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन है हमारे पास, दोनों इनपुट्स ज़ीरो ज़ीरो यानी लो लेवल। तो ए को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, बी को भी ज़ीरो यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। रन करते हैं, आउटपुट हमारे पास क्या है, प्रॉब ऑफ हो गई है, मीन्स आउटपुट क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद सेकेंड कम्बिनेशन चेक करते हैं, ए हमारे पास ज़ीरो है, बी क्या है, वन है, मीन्स ए को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है और बी को हाई लेवल मीन्स वीसीसी के साथ।
आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मींस आउटपुट अगेन जीरो ही है। थर्ड कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, ए वन है और बी जीरो है, तो बी को मैं जीरो कर देता हूँ, ए को हाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ए वीसीसी के साथ कनेक्ट है और बी क्या है ग्राउंड के साथ, आउटपुट अगेन हमारे पास जीरो मींस लो लेवल। लास्ट कॉम्बिनेशन दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या है हाई है, वन और वन। तो देखते हैं अब हमारे पास आउटपुट क्या आता है, ए हाई और बी को बी में हाई कर देता हूँ, वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोब ऑन हो गई है, लाइट अप हो गई है, मींस कि आउटपुट हाई है। और ट्रुथ टेबल में भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट भी हमारे पास वन है अगर इनपुट हमारे पास दोनों हाई हो, इनपुट पे वन वन हो तो आउटपुट भी वन आएगा। तो दोस्तों यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर इनपुट्स सारी हाई हैं तो आउटपुट भी हाई होगा, और अगर कोई एक भी इनपुट हमारे पास लो हो तो आउटपुट भी लो होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और गेट के बारे में देखेंगे, उसकी सिमुलेशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।